पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार कुछ ऐसे फैसले अपने पार्टी के अंदर कर रहे हैं जिन फैसलों की वजह से ऐसा लग रहा है कि उनकी ही पार्टी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। जदयू दो फाड़ जदयू में मचने वाली है। देखा आपने किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के बदलाव उन्होंने किए। कार्यकारिणी की बैठक हुई, प्रदेश कार्यकारिणी के कई लोगों को मौका मिला, कई पुराने लोग इस बार आए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर मजबूत स्थिति और मजबूत पकड़ पार्टी पर रखने वाले लोगों का नाम सामने नहीं था, जिसके वजह से ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कई ऐसे नाम हैं जो नाम इस वक्त लिस्ट से गायब दिख रहे हैं। कल ही आपने देखा राज्य कार्यकारिणी का गठन हुआ, उसमें पूर्व सांसदों का लिस्ट जारी किया गया, मंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार के नौ रत्न कहे जाने वालों में से कुछ लोगों के नाम गायब थे और कुछ लोगों के नाम रहने के वजह से भी विवाद उत्पन्न हो गया कि उनके टीम के लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया है। तो क्या नीतीश के इस फैसले से जदयू में भूचाल आ गया है? क्या जदयू में दोफाड़ मच गई है? हाई अलर्ट पर जदयू है, चर्चा गर्म करवाते हैं। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत करेंगे कि बाबा जदयू में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे। देखिए, सिर्फ जदयू में ही नहीं, दुनिया के जितने भी राजनीतिक दल है उसमें कुछ ना कुछ चलते रहता है। कारण कि जब आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपको चुनाव लड़ने हैं, और चुनाव लड़ने हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लेकर के जब स्ट्रेंथ बढ़ाइएगा, जब अधिक लोग आपके साथ होंगे तो निश्चित रूप से चिक-चिक होगा ही होगा। ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन असामान्य प्रक्रिया क्या है? असामान्य प्रक्रिया तब और ज़्यादा हो जाती है जब आप सत्ता में हैं, आप पर यह दबाव है कि जनता आपसे बहुत कुछ अपेक्षा करती है, आपको एक्ट करना पड़ता है जी। आपने जो वादा किया उसको पूरा करने की कोशिश करनी पड़ती है जी। नहीं कीजिएगा तो फिर आपको चुनाव में जाना होता है, और फिर से सत्ता में आने के लिए आपको अपने संगठनिक ढांचे को मजबूत करना पड़ता है। नीतीश कुमार इस निरंतर प्रक्रिया के हिस्सा हैं। वो अपनी, देखिए कुछ लोग होते क्या है ना कि कुछ स्टूडेंट को आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो जा करके फर्स्ट होता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत कम करते हैं लेकिन फिर भी उनको फर्स्ट क्लास प्राप्त होता है जी। शार्प होते हैं थोड़ा जी, जी। नीतीश कुमार उसी प्रक्रिया के जो स्टूडेंट हैं वो हैं। राजनीति में नीतीश कुमार प्रयोग करते हैं, प्रयोग, और उनका प्रयोग अक्सर सफल ही होता है। बहुत कम ऐसे प्रयोग हैं जो नीतीश कुमार के असफल हुए हैं जी। होता क्या है ना कि वो बार बार एक ऐसा प्रश्न लेकर के टीचर के सामने आ जाते हैं जिसका जवाब टीचर के पास नहीं होता है, तो टीचर समझ लेता है कि ये विद्यार्थी जो है बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, और उसकी कॉपी देखे बिना अंक बैठा देता है तो पास कर जाता है। नीतीश कुमार ने अपने 19 साल की राजनीति में, 19 साल जो बिहार की राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री रहने के दरमियान जिस तरह से अपनी पार्टी को एकजुट रखा है, समय समय पर उन्होंने कड़े फैसले भी लिए हैं, जैसे 2023, बहुत पीछे मैं नहीं जाऊँगा, 2023 तक ही जा रहा हूँ। 2023 में आपने देखा होगा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ थे, 2022 में जब इंडिया गठबंधन के साथ गए तो उनके साथ बहुत ही करीब उनके हुआ करते थे, उनके दिल के करीब हुआ करते थे, उनकी पार्टी के करीब हुआ करते थे, उनके फैसलों के करीब हुआ करते थे ललन सिंह, वो उनके साथ थे जी। ललन सिंह जो भी एक्ट करते थे नीतीश कुमार को मान्य था, क्योंकि ललन सिंह के एक्शन में प्रशासन दिखाई देता था। ये आप कह सकते हैं कि ललन सिंह बहुत कड़क व्यक्ति हैं, उनके सामने जाने से लोगों को चाहे कड़ा बोलते हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसा तो काम आरसीपी सिंह भी करते थे, लेकिन आरसीपी सिंह अपने वक्त के हिसाब से बदले, ललन सिंह भी अपने वक्त के हिसाब से बदले, लेकिन नीतीश कुमार जहाँ हैं वहीं हैं, वो उनके फैसले नहीं बदलते। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने जब फैसला लिया 2023 में तो काफ़ी उनके करीबी हुआ करते थे ललन सिंह, उन्होंने ही उनको सजेस्ट किया था कि कहाँ एनडीए में फंसे हुए हैं, पार्टियों खत्म हो जाएगा, कुर्सियों खत्म हो जाएगा, चलिए उन्हें। 9 अगस्त 2022 को वो फैसला हुआ था, फैसला हो गया, चले गए। नीतीश कुमार ने बड़ा खुश होकर के ये बात कहा था, सहर्ष स्वीकार किया था कि ललन जी ने हमको कहा, नहीं तो हमारी पार्टी भी खत्म हो जाती और हमारा कुर्सी भी खत्म हो जाता। 2 साल भी नहीं लगा, 17 महीने में नीतीश कुमार ने फिर स्विच कर दिया, और स्विच करने से पहले उसी ललन सिंह को, जिनके बारे में वो कहा करते थे कि मेरी कुर्सी बचा ली, मेरी पार्टी बचा लिए, उनको
आगे साइड करके रख दिए, उनको एक बड़ी कुर्सी से उठाकर छोटी कुर्सी पर बैठा दिया। बिल्कुल। अब ये उनका सौभाग्य कह लीजिए या उनका कह लीजिए कि उनको उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था, वो केंद्र में जाकर के मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, नरेंद्र मोदी के करीब हो गए। मैं कल ही लगातार कई दिनों से खबर कर रहा हूँ और कई चर्चाएं मैंने देखी हैं, तस्वीरें उनकी जो आ रही हैं वो तस्वीरें काफ़ी चौंकाने वाली हैं। चौंकाने वाली हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जितना उनसे दूर नज़र आ रहे हैं उतना ही नज़दीक उनसे नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं, उतना ही नज़दीक उनसे अमित शाह नज़र आ रहे हैं, जेपी नड्डा के भी करीबी हो गए, जेपी नड्डा के करीबी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस कुर्सी पर, जिस चेयर पर, जिस सोफे पर बैठे रहते, उस पर अगर 50 आदमी के बैठने का भी जगह हो तो बैठता एक ही आदमी है, ललन सिंह। नहीं, ललन सिंह तो बाद में बैठे, उस पर बैठता एक ही आदमी है, अमित शाह बैठेंगे और या फिर नरेंद्र मोदी बैठेंगे। लेकिन इन दोनों के अलावे अगर तीसरा कोई बैठ रहा है उनके बगल में, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी उस तरह के सोफे पर एक साथ नहीं बैठते हैं, लेकिन ललन सिंह उस सोफे पर बैठते हैं जहाँ नरेंद्र मोदी भी बैठते हैं उनके बगल में, उसी सोफे पर जहाँ अमित शाह बैठे हुए हैं ललन सिंह बैठते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं। और ललन सिंह पर जो आरोप लगते रहा है कि पार्टी संगठन को तोड़ने की बात सांसदों के बारे में, क्या नरेंद्र मोदी उनके माध्यम से तोड़ने की कोशिश करेंगे? अब टूटने वाला कोई बात नहीं है, टूटना क्या है, जब आपको पूरा पूरा मिल रहा है तो तोड़िएगा काहे के लिए? पूरा भरोसा है तो क्या जरूरत है तोड़ने का, मतलब पूरा मिल रहा है ना आपको। जैसे दुकानदार के पास आप जाइए और कहिए कि भैया हमको एक माचिस का काठी दीजिए, ये लीजिए ना 2 रुपया मेरे पास है, वो कहे कि नहीं भैया 2 रुपये काहे के लिए, फ्री में ले जाइए ना पूरा सलाइए, काठी का क्या जरूरत है आपको? तो फिर काठी आप काहे निकालिएगा, पूरा सलाई लेके चले जाइएगा। जदयू में 12 सांसद हैं और ये 12 सांसद सभी जो हैं एकाध को छोड़ दिया जाए, वो भी ऐसा नहीं है कि अगर NDA से बाहर जाएंगे नीतीश कुमार तो बहुत ज़्यादा बवाल नहीं होगा। इसमें से 12 में से 12 जो सांसद हैं वो सभी NDA के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोकसभा का जब भी मौका आएगा उनको मतलब लोकसभा से है, उनको बिहार की राजनीति और बिहार में सरकार चले या ना चले उससे क्या मतलब है, उनको तो मतलब है कि केंद्र में सांसद बने रहें और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहें, उनका काम चलता रहेगा, जीत करके आते रहेंगे। ये सारी प्रक्रियाएं तो चल ही रही है, लेकिन इस बीच में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के कुछ फैसले हुए हैं। नीतीश कुमार अक्सर फैसले लेते रहे हैं, आपको भी पता है कई फैसलों से उनके ये लोग हिले हैं। मेरी बात कैसे हिल गई इस बार? निश्चित रूप से हर बार नीतीश कुमार के फैसले जदयू को ही हिलाते हैं, उसके बाद कोई हिलता है, क्योंकि जदयू में नीतीश कुमार अगर इधर से उधर स्विच करते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना किसे पड़ता है? जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनको रातों रात अपने बयान को बदलना पड़ता है। जिस लालू प्रसाद को कल तक नमक रखने का जगह नहीं छोड़ते थे, आज उनके साथ शरबत पीना है चीनी का। जिस भारतीय जनता पार्टी का बड़ाई करते थकते नहीं थे, उसे कॉम्युनल कहना पड़ता है। क्षण भर में सब कुछ बदल जाता है। जी जी। तो ये नीतीश कुमार के लिए नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले में कोई हायरेकी नहीं है, नीचे वाले में हायरेकी है। आप क्यों टारगेट करते हैं कि देखिए ना कल तक क्या बोल रहे थे आज क्या बोल रहे हैं? आप उसी प्रवक्ता से सवाल पूछते हैं कि कल तक तो आप कहते थे कि लालू प्रसाद को फंसाया गया है, आज आप कैदी नंबर 3551 कह रहे हैं। बिल्कुल। ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं। अब इसमें आप नीतीश कुमार के फैसले जो हो रहे हैं और नीतीश कुमार के नवरत्न, उसके तरफ अगर आप आते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से अगर नीतीश कुमार के एक्शन को देखें आप, तो बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। पहला कि 2014, 2017, 2020, 2019 बीच में है, और फिर 2024, 2023 में भी एक स्थिति बनी थी, 2024 में भी बनी थी, और 2024 में दो स्थितियां बनी। एक तो नीतीश कुमार जब स्विच किए फिर से, तब भी सरकार का हिस्सा नहीं बने केंद्र में। नीतीश कुमार 2019 में चुनाव 16 सीट जीत करके आए, तब भी नहीं बने, लेकिन 2024 में वो सरकार का हिस्सा बने।
यानी नीतीश कुमार का ये फैसला कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हैरान करने वाला था और कुछ लोगों को उसके पीछे एक पूरी कहानी हम बता चुके हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने दूसरा फैसला ये लिया कि उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उन लोगों से धीरे धीरे करके दूरी बनाई। हालांकि भीतर ही भीतर कई ऐसे लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, उनके साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता है, उनके घर जाते हैं, निश्चित रूप से उनके घर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हर दुख सुख में उनके साथ खड़े नजर आते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनानी हो तो उनसे बात करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में उनसे मिलने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, साइडलाइन रह रहे हैं। ललन सिंह भी उनमें से एक हैं। हालांकि ललन सिंह को तो बहुत शामिल किया गया है, फिर क्यों? देखिए, आप शामिल तो उनको मंत्रिमंडल में भी किया गया है और लोग थे ना पार्टी में, उनको क्यों शामिल किया गया है? उनको इसलिए शामिल किया गया है, अच्छा दूसरी आप बता रहे हैं कार्यकारिणी में शामिल कर रहे, कार्यकारिणी की लिस्ट में शामिल उनको किया गया है राज्य कार्यकारिणी में, तो राज्य कार्यकारिणी में शामिल करने का उनका व्यक्तिगत कोई प्रभाव तो बना नहीं। वो उन 18-20 लोगों के लिस्ट में है, या फिर कहा जाए उन 118 लोगों की लिस्ट में, मतलब सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी बात सब में उनकी भी बात सुनी जाएगी, सुनी भी जाएगी, हो सकता है नहीं भी आवे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई ऐसा विशेष प्रभार तो उनको दिया नहीं गया। कहां ललन सिंह पहले नीतीश कुमार को वन टू वन मिलकर सलाह देते थे। दूसरी बात, अशोक चौधरी का अगला सवाल कीजिएगा, अशोक चौधरी को शामिल नहीं किया गया, तो अशोक चौधरी को शामिल नहीं किया गया है तो ये जरूरी नहीं कि अशोक चौधरी नहीं आएंगे, ललन सिंह आएंगे कि नहीं आएंगे ये डाउट है, लेकिन अशोक चौधरी नहीं रहते हुए भी आएंगे ये कन्फर्म है, क्योंकि नीतीश कुमार वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें अशोक चौधरी पर बहुत भरोसा करते हैं, पहली बात ये। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो परिस्थितियों की मैं चर्चा कर रहा था, 2024 चुनाव के बाद अचानक से नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया, उस फैसले से जदयू के भीतर एक बड़ा वटवृक्ष जो था वो हिला, जब मनीष वर्मा को लाया गया। मनीष वर्मा को ला करके कहा यह जा रहा था, और मीडिया परसेप्शन भी था, खूब चर्चा मीडिया में हुई, चर्चा देखिए कहाँ से शुरू होती है, नीतीश कुमार के बाद नंबर टू हो जाएंगे, एक आरसीपी को फिर से ला दिया गया, बाकी लोगों का काम खत्म हो जाएगा, इनको राज्यसभा भेजा जाएगा, बिहार का प्रभार इन्हीं के हाथ में होगा, ये कहेंगे तो हाँ, ये कहेंगे तो दिन, तो ये कहेंगे तो रात, ये सारी परिस्थितियाँ सारी बातें हो रही थी। लेकिन पिछले 2 महीने से आपने सुना है क्या मनीष वर्मा का कोई नाम हो, कहाँ ओझल हुए हैं कोई नहीं जानता है, संगठन के काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया गया है, ये सभी चीज़ें चल रही है, पूर्व आईएएस हैं, आरसीपी सिंह भी ऐसे ही एंट्री मारे थे, जो धीरे धीरे करके अपना अपने कार्यशैली से प्रभाव बना करके नीतीश कुमार के नंबर टू बने थे। अब नीतीश कुमार किसी को नंबर टू का तमगा देने वाले नहीं हैं, कारण उसका है कि जितने भी लोग हैं आप उन लोगों की लिस्ट अगर निकाल के देख लीजिए तो नंबर टू कभी हुआ करते थे शरद यादव, नीतीश से उनके भी रिश्ते खराब हुए, नंबर टू बना करके ले आए थे उपेंद्र कुशवाहा को, उनसे भी रिश्ते खराब हुए, ललन सिंह नंबर टू के नाम से जाने जाते थे, रिश्ते खराब हुए, आरसीपी सिंह नंबर टू थे उनसे भी रिश्ते खराब हुए, प्रशांत किशोर नंबर टू उनसे भी रिश्ते खराब हुए, अब बाकी के जो लोग हैं जैसे विजय कुमार चौधरी का नाम सुन ले लीजिए आप, अशोक चौधरी का नाम ले लीजिए आप, ये सब नंबर टू हैं, लेकिन उनसे बड़े नंबर टू अगर मनीष वर्मा को ला दिया जाए, और आप एक बात समझ लीजिए कि शेर कितना भी मजबूत हो लेकिन उसको दूसरे जानवरों के झुंड में छोड़ दिया जाए और सारे जानवर उसमें अटैकिंग मोड में हो तो शेर तो क्या होगा, शेर नहीं रह जाता है। अब ऐसी स्थिति आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल लोगों के बीच में एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को ला करके खड़ा कर दीजिए, हर कोई आरसीपी सिंह नहीं होता है, नहीं होता है बिल्कुल, कितने अडॉप्ट कर पाएंगे, कितना भार सह पाएंगे, ये भी डिपेंड करता है उनके साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पॉलिटिकल लोगों के बीच में वो फंस गए हैं, और पॉलिटिकल लोग अशोक चौधरी वगैरह को साइड में रहना ये उनकी अपनी अपना फैसला है कि ये जो तिया पांच होगा, अब बताए ना कि पार्टी के भीतर हलचल मचा हुआ है, दो फाड़ हो गया है, किसी फाड़ में नहीं है ललन सिंह, अब ललन सिंह जाकर के ललन सिंह से जाकर के मिल लेते हैं अशोक चौधरी, इसके मायने आप ये नहीं लगा सकते हैं ना कि जदयू आधा आधा बांट लेंगे। बिल्कुल, हमने तो ये तस्वीर देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि बचाए ये क्या, वही ये तस्वीर है जो कभी इनके बारे में कहा जा रहा था कि एकदम 36 का आंकड़ा है। ये भी तो हो सकता है रत्नेश कि जो मैं बात शुरू में कह रहा था कि किसी भी कीमत में ललन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जबकि मेरे से बहुत लोगों ने ना इत्तेफाकी रखी,
मैं तो बार बार कह रहा था कि ललन सिंह को सबसे पहले बिहार की राजनीति से दूर रखा जाएगा, और ऐसा हुआ भी। ललन सिंह कितना इन्वॉल्व रहते हैं बिहार की राजनीति में, क्या हो रहा है बिहार में उनको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि जिस क्षेत्र के वो सांसद हैं उस क्षेत्र में भी क्या हो रहा है उनको मतलब नहीं है। मतलब होगा फिर चुनाव आएगा, मतलब होगा, कारण कि उन्होंने जब इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से तो उन्होंने यही बात कहा था कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ इसलिए व्यस्तता मेरी रहेगी। खैर, उन सारी बातों को अब एक तरफ आप रख दीजिए, तो वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें पार्टी के दो फाड़ होने की बात आप कर रहे हैं, और इसमें सबसे मजबूत जोड़ी की जो बात कर रहे हैं आप, आपका इशारा नीतीश कुमार और अशोक चौधरी की जोड़ी पर है। ये जोड़ी आप समझ के रखिएगा कि नहीं टूटने वाली है। हाँ, एक बात जरूर है, अशोक चौधरी और नीतीश कुमार थोड़ा सा दूर दिखने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन अशोक चौधरी नीतीश कुमार के इशारे पर ही केंद्र में, आप देखिएगा कि ललन सिंह के रहते हुए, संजय झा के रहते हुए, अशोक चौधरी का जा बार बार यात्रा दिल्ली का क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। आज से 4 महीना पहले उनको कितना दिल्ली में आप देखते थे, कई लोगों के पास कई तरह के तर्क हैं, लेकिन मेरे पास जो मुझे जो नज़र आ रहा है सीधे दूरबीन लगाने पर, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि बाकी सारे लोग पदाधिकारी हैं पार्टी के, अशोक चौधरी सांगठनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार के आइडियल हैं। अशोक चौधरी ने यह मान लिया है कि उनके नेता नीतीश कुमार हैं, और जो उन फरमान होगा, उनका जो आदेश होगा, उसको किसी भी सूरत में पूरा करेंगे। नहीं तो अशोक चौधरी के लिए अपने मंत्री को नीतीश कुमार मंच से ये नहीं कहते कि कुछ लोग हैं जो हमारे गठबंधन के लोगों को हराना चाहते हैं, उन लोगों से बाद में निपटेंगे। शांभवी चौधरी वाला मैटर जी, इन इन हाँ कुछ ये, ये भी एक प्रश्न है। जब हम संपादक के साथ चर्चा कर रहे थे एक पंचनामा में, तो उन्होंने कहा था कि अशोक चौधरी नीतीश के वो हनुमान हैं जो उनके सीएम के रास्ते में अगर कोई बाधक बनता है तो उसे तुरंत उठाकर फेंक देते हैं। बिल्कुल मोचन की तरफ, बिल्कुल आपने आपने जो बात कही उसकी एक मैं चर्चा आपको कर दूं कि हमेशा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 5-6 लोगों का जमावड़ा रहा है। कुछ लोग अस्वस्थ हो गए हैं तो थोड़ा साइड हैं, जैसे आप वशिष्ठ नारायण सिंह दादा की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार के ट्रस्टवर्दी वो रहे हैं। दूसरा विजेंद्र यादव, लंबे समय तक नीतीश कुमार के सलाहकारों में शामिल रहे हैं। ये दोनों अस्वस्थ हैं, इसलिए अब इनकी उपस्थिति कम नज़र आती है। फ़ोन पर बात होती है, मिलने जुलने का सिलसिला चलता है, लेकिन विशेष फैसले में, और ख़ास करके जब 2023 में नीतीश कुमार स्विच करने का सोच रहे थे, तो उस समय इन लोगों ने जो मीटिंग की थी, खास करके विजेंद्र यादव की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद से नीतीश कुमार थोड़ा सा उनसे दूरी बना करके रह रहे हैं, ये मान के चलिए आप। इसके बाद बात अशोक चौधरी की कर लीजिए, बात आप विजय कुमार चौधरी की कर लीजिए, संजय झा की कर लीजिए, ये लोग वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं, और किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो सकती है। ये सारी परिस्थितियाँ इस बात की तरफ इशारा करती है कि बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार काफ़ी मजबूत हैं। मतलब किसी की कोई लड़ाई नहीं है, इसमें लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता है, माइनस करने की बात है। अब जैसे तीसरा जो आगे बढ़ करके आ रहा है उसको माइनस करने के लिए 3 अपनी गठबंधन बना देंगे। अब जैसे आप समझिए, आरसीपी सिंह को बाहर करना था तो कौन कौन साथ में था? उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह दोनों एक साथ आ गए थे। उपेंद्र कुशवाहा को बाहर करना था तो कौन कौन साथ में आ गए थे? अशोक चौधरी और ललन सिंह। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से उतारना था तो कौन कौन साथ में आ गए थे? अशोक चौधरी और संजय झा। विजय कुमार चौधरी भी उसमें शामिल थे। मतलब जोड़ी बनते बिगड़ते रही है। इसीलिए नीतीश कुमार की कुर्सी के तरफ देख लेना बड़ी मुश्किल है, और किसी भी परिस्थिति में ये दोस्ती खास करके नीतीश कुमार से अभी तो टूटने वाली नहीं है। लेकिन दोनों कारण उसका है कि कुछ लोगों को, जो जिन लोगों की चर्चा मैं कर रहा था, उन लोगों को नीतीश कुमार की कुर्सी से मतलब था, लेकिन अशोक चौधरी को नीतीश कुमार की कुर्सी से मतलब नहीं है। वो खड़ाऊ रख करके सरकार चलाने वालों में से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि हम कुर्सी पर जाके कूद के बैठ जाएंगे, वो नहीं है। वो खड़ाऊ रख करके शासन चलाने वालों में से हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था प्रदेश का। जी 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 बिल्कुल। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, प्रदर्शन हुआ, उन्होंने अपने खुद पद से त्याग पत्र दे दिया। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, अशोक चौधरी बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस में आप समझ लीजिए कि जिसने 2 दशक 2.5 दशक राजनीति की हो,
उस व्यक्ति में कितना गट्स होगा। एक राजनीतिक फैमिली से भी आते हैं और यहाँ भी जदयू में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कैसे अपना पूरा जड़ जमीन तक गाड़ा है, ये भी बात अच्छी तरह से आप जानते हैं, क्योंकि संगठनिक रूप से मजबूत व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने आप को प्रूफ भी किया है कि उनके पास अब वोट बैंक भी है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार निश्चिंत रहते हैं कि मेरे संगठन में, मेरी पार्टी में कुछ नहीं होगा, अशोक चौधरी जब तक हैं तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए देखिए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये गाना मुझे लगता है कि इन जोड़ी में चरितार्थ कर रहा है। चर्चा गरम के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।